हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व की ड्राइंग बनाने जा रहे हैं जिन्हें हमारे भारत के सारे नवयुवक यानी नौजवानों उन्हें एक आइकन मानते हैं। हम आज स्वामी विवेकानंद जी का एक पोर्ट्रेट बनाने जा रहे हैं ड्राइंग, जिसमें हम उनके सिर्फ फेस को ही यहाँ पर बनाएंगे। उनके फूल जो खड़े होने वाले वो भी कुछ दिन में मैं डाल दूंगा। अभी तो मैं सिर्फ फेस बनने जा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो यहाँ पर जो होगा वो इस साइड पे उनका थोड़ा सा नज़र झुका रहेगा, यानी इस साइड पे ही वो देखते रहेंगे इस इमेज में। देखिए, पहले शुरू करते हैं। एक सर्कल बना लेते हैं, पहले एक सर्कल, उसे लॉन्गिट्यूडिनली एंड ट्रांसवर्सली हम उसे कट कर लेते हैं। कट करने के बाद और भी कट कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा टिल्ट बनाते हैं। टिल्ट यानी टेढ़ा बनाते हैं इसे, इसे तो सीधा बनाना ही है। क्या है कि ये पर्सन भी सही होना चाहिए, और ये जितना होना चाहिए ये भी इतना ही होना चाहिए। यानी ये एक स्क्वायर, इस नीचे वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा झुका हुआ होगा, और ये होगा थोड़ा सा चौड़ा होगा, लेकिन ओवरऑल एक स्क्वायर होना चाहिए। फिर यहाँ ये जितना है वहाँ पे भी इतना उतना ही लेंगे, और यहाँ पे भी उतना ही लेंगे। हो गया हमारा। हम जानते हैं कि विवेकानंद जी का जो फेस होता है हमेशा बहुत सारी इमेज में ऐसे होता है कि वो थोड़ा सा इधर इधर इस तरफ से इस दिशा पे वो थोड़ा सा है, तो हम इसीलिए ये जो बीच वाला पर्सन है इसे थोड़ा यहाँ लेते ले आते हैं, थोड़ा ले आते हैं। आप समझ सकते हैं, जबकि मैं ये जब कंप्लीट हो जाएगा आप समझ जाएंगे कि क्यों ऐसा मैंने किया। देखिए, हो गया। अभी ये जो है उनका आई का पर्सन है, आई आई का यहाँ पर रहेगा, ये नोज, ये उनका माउथ, ये मुंह का जो नीचे वाला, ये उनका सिर। यहाँ पे हम उनके हेयर तो नहीं रखेंगे, जो पगड़ी पहनते हैं उसे ही रखेंगे यहाँ पर हम। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये वाला लाइन पे लगभग ही उनका जो आईब्रो है वो रह जाएगा। आई इसे हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे, वो इसी उसी लाइन पे हमारा आई आ जाएगा। जितना आएगा उतना
नाक जो है ऐसे हुआ कि उसके बाद उनका जो लिप्स है वो ये देखिए ये हमसे प्रेफरेंस ले रहे हैं, उसके बाद हम उसे शैडो देंगे, उसके बाद सब सही आ जाएगा। देखिए ये जो आई ब्रो जो आई वाल है उसे बना लेते हैं, क्योंकि जो लिप्स है लिप्स का एंड ये आई वाल के सेंटर से ही आता है। हम जानते हैं कि ये इस दिशा में थोड़ा सा देख रहे हैं, तो आईब्रो भी थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए। मैंने अपने पहले वीडियो में ये बोल चुका हूँ कि पेपर पे कोई स्ट्रेस नहीं देना है आपको, सिर्फ आपके काम पर ध्यान देना है। पेपर को सिंपल रखिए, जैसा भी पेंसिल हो कोई बात नहीं, पहले सीखने पे जोर दीजिए। चलिए इसे भी शुरू कर लेते हैं लिप्स को। लिप्स आपको मैंने बोल दिया कि सेंटर के आई वाल के सेंटर से ही लिप्स के एंड आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा इधर देख रहे हैं तो ये जो लिप्स है छोटा सा होगा, क्योंकि इधर मुड़ के देख रहे हैं स्वामी जी, तो ये भी थोड़ा सा छोटा होना चाहिए इस वर्षन के हिसाब से। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। कि इसी पिक्चर से ही चला आ जा रहा है कि स्वामी जी कैसे दिखते हैं, स्वामी जी की फिगर आ रहा है अभी। उसके बाद हम उनके पगड़ी सिर पे जो पहनते हैं उसे बना लेते हैं। स्वामी जी की जो लुक है वो एक अनोखी लुक है, क्योंकि वो ऐसे देखते हैं जैसे हम सब लोगों को मोटिवेट करते हैं। एक स्ट्रांग आदमी जो कि देखते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी जो दृढ़ता, जो मन की दृढ़ता दिखाई देती है, वो ऐसा लगता है कि उनके जैसा आदमी कुछ भी चाहे तो कर सकता है, जीवन में कभी भी नहीं हारेगा ऐसा लगता है।
वो उस टाइप के आदमी भी थे। अपने जीवन में उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। उनकी आप जीवनी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कैसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे चले गए। और जब भारत का नाम भी नहीं आता था विश्व में, तब उन्होंने शिकागो में जाकर वो जो रिलीजन कॉन्फ्रेंस था वहाँ पे भारत का नाम लिया। वो वैसे स्पीच दिए कि सब लोग दंग रह गए वहाँ पर। थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। ये स्वामी जी का कान है, थोड़ा सा दिखेगा क्योंकि उस साइड में है जो बैग। यार आता है इस तरह से, इस इंडिया में भी कुछ यार ऐसे होते हैं। पगड़ी के नीचे से दिखते हैं, और यहाँ पे स्वामी जी का एक कान का कुछ हिस्सा पगड़ी से नीचे दिखता है, और यहाँ पे हेयर भी दिखता है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, जो आउटलाइन से उसे थोड़ा सा साफ कर लेंगे। उसके बाद हम उसमें कुछ शैडो देंगे और डीपनेस भी देंगे, जैसे कि जो लुक है वो बहुत अच्छी तरह से आए। ये जो हमारे हमारे जो रेफरेंस लाइन थे उन्हें भी हमें हटाना पड़ेगा। क्लीन हमें कर दिए कि अभी तो आपको लग रहा है कि ये हमारे स्वामी जी का ही है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम और पेंसिल ले रहे हैं जिससे कि हम थोड़ा सा शैडो दे सकते हैं। ऊपर से शुरू करते हैं अभी, क्योंकि आउटलाइन तो हो गया है। पेंसिल को कैसे पकड़ना है मैंने अपने फास्ट जो बिगनर्स के लिए ट्यूटोरियल है उसमें बताया है कि आप आपके कंफर्ट से ही पेंसिल को पकड़ें और पूरी तरह से फ्री हैंड से पकड़ें। और आपको हरदम प्रैक्टिस करना चाहिए कि कैसे पेंसिल पकड़ें और किस तरह से करें। आपके कंफर्ट के तरह से करें, कोई बात नहीं, लेकिन वो सही होना चाहिए। ये एक एच बी पेंसिल है, प्लैटिनम का दिख रहे हैं आप, अप्सरा प्लैटिनम का है। इसे हम अभी यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा डीपनेस लाएंगे और उसके बाद एक डीप पेंसिल लेंगे जिसमें और थोड़ा सा डीप लाएंगे।
वीडियो तो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि इस वीडियो को यहीं कहीं ख़त्म करें और अगले वीडियो में जितना और जो डीपनेस ला सकते हैं हमें लाना चाहिए, फिर भी कुछ थोड़ा सा कर लेते हैं और 1-2 मिनट में। ये जो साइड है ये शेडो वाला साइड होगा, क्योंकि लाइट हमारे हिसाब से इस डायरेक्शन से आ रहा है, इस डायरेक्शन से लाइट आ रहा है और शैडो इस डायरेक्शन से होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोगों को अभी समझ में आ रहा होगा कि हमने कैसे स्वामी जी का एक इमेज बना लिया और उसे हम अभी शैडो दे रहे हैं। थैंक यू। इस वीडियो में तो हम इतना ही कर पाए, हमारे जो अगले वीडियो है उसमें हम उसे बहुत अच्छी तरह से शैडो देंगे। इसी आर्ट को, इसी जो स्वामी जी का पेंट को ही, ड्राइंग को ही हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।